हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज हम एनडीए का बाइनोमियल थ्योरम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जिस पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये चार आपका कॉन्सेप्ट याद है यदि, इसका 1 - x^-1 एक्सप्रेशन, ये सारे आपको याद हैं यदि, तो इस पे आप डायरेक्ट लगा के और इसका आंसर निकाल सकते हो। पहले दिया है 1 - x^-1, तो जब यहाँ माइनस होगा तो ये सारा यहाँ देखो प्लस आएगा, 1 + x + x^2 + x³ ऐसे जाएगा आपका। यहाँ दिया 1 + x^-1, तो यहाँ से आएगा 1 - x + x^2 - x³ ऐसे जाएगा ये। यहाँ 1 - x^-2 दिया है तो ये आपका इस तरह से जाएगा, और 1 + x है -2 तो ये आपका ये आएगा। इसमें बस यही ध्यान रखना है, जब यहाँ माइनस है तो हर जगह देखो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इसमें कोई कोफिशियंट नहीं है यहाँ पे, जब पावर 1 है आपका, -1 है, और 1 + x पे प्लस होगा तो यहाँ पे ऑड वाले टर्म निगेटिव होते चले जाएंगे। अब दिया 1 - x^-2, -2 जब आप ले रहे हो तो 1 + 2x² + 3x² इस तरह आएगा, मतलब कोफिशियंट आपका आता चला जा रहा है 1, 2, 3, 4 ऐसे। और जब यहाँ प्लस है तो वही ऑड वाला टर्म आपका माइनस होता चला जाएगा। अब इस पर इसी पैटर्न पे ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ये निकालना है यदि, तो कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ x^4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x / 1 + x^2। इस पर आपको निकालना है, ठीक है। तो अब इसको हम निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 - x^2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + x^2। अब इसको आप लेके जाओगे यहाँ पे 1 - x^2 × 1 + x^-2, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, इसका भी फार्मूला आपको पता है, इसका भी फार्मूला पता है, इसको जब ब्रेक करोगे तो आपका आएगा 1 + x^2 - 2x, और इसको जब ब्रेक करोगे आप तो 1 + x^-2 ये वाला आएगा, नीचे वाला आएगा ये, तो ये आएगा 1 - 2x। अब देखो हमको निकालना क्या है, हमको इसमें x^4 निकालना है इसका कोफिशियंट, तो हमारे यहाँ पे सबसे छोटा इस वाले में 1 है, मतलब x^4 तक हमको यहाँ तक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 - 2x + 3x² - 4x³ + 5x^4, 1 - ± ऐसे आ गया, ये पावर 4 तक हमने लिख लिया। अब देखो इसमें क्या है, 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इसका कोफिशेंट आपका 5 हो जाएगा। x² से जब करोगे आप तो x² वाले टर्म से करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 × 3 प्लस आएगा तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे x से x³ से करना पड़ेगा, यहाँ पे -2x है, यहाँ पे -4x³ है, तो x³ x^4 होगा -2 × -4, ये आपका 8 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 + 8, तो ये आ गया आपका 16। तो जो कोफिशियंट आएगा वो 16 आएगा, जो इसमें ये आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। मेरे ख्याल से ये अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, ये दूसरा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ x^10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x + x² + x³ + x^4, और इसके बाद दिया है इसके पावर -2, क्या दिया है -2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जैसे दिया है यहाँ पे, इसमें यदि 1 - x से इस वाले में मल्टीप्लाई कर दें, हम 1 - x से इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 + x² + x³ + x^4 अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - x² से, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 - x² इससे क्या होगा कि ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ये 1 - x² अपॉन, इसको ये पूरा लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 - x 1 + x + x² + x³ + x^4,
इसका पूरे का ये स्क्वायर हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, इसको देखो 1 से इंटू करोगे तो वही आएगा आपका 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4। जब माइनस इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5 हो जाएगा। इसका पावर हो गया ये 2। अब देखो ये कटता चला जाएगा, माइनस एक्स से एक्स कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्यूब से क्यूब कट गया, 4 से 4 कट गया। अब क्या बच गया आपका, ये यहाँ तो बचा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ ये जो टर्म बच रहा है 1 माइनस एक्स पावर 5 का पावर आ रहा है माइनस 2, ये चीज़ बच रही है। अब इसको हम भी एक्सपेंड करते हैं, इसको भी देखते हैं एक्सपेंड करते हैं। हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द कोफिशियंट एक्स पावर 10, हमको x पावर 10 का निकालना है कोफिशियंट क्या आएगा। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये बचेगा बनेगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये देखो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 वाला टर्म आएगा, मतलब x की जगह आपको x पावर 4 रख देना है। x के जगह क्या करना है, x पावर 5 रखना है, x के जगह आप x पावर 5 रखोगे तो यहां से क्या बचेगा, ये कौन सा माइनस वाला, ये वाला टर्म आएगा 1 प्लस 2 एक्स पावर 5 प्लस 3 एक्स पावर 5 के पावर 2 बने x पावर 10। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहां इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 10 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 हो जाएगा, इससे 12। तो अब अगला जो टर्म आएगा वो आपको 5 ये वाला आएगा आपका 5x पावर 3, मतलब 5 पावर 3 15 आ जाएगा। 15 को किसी में इसमें मल्टीप्लाई करके आपको x पावर 10 मिलेगा, नहीं तो ये चलता जाएगा। तो हम इसको छोड़ देंगे आगे, हमको आगे नहीं ले जाना है। बस यहाँ से हम देखो ये 1 से केवल मल्टीप्लाई करोगे, इसमें यही आपका यहाँ पे आएगा, आपको 1 से हम 3x पावर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें करेंगे 1 से 3x पावर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो कोफिशियंट आएगा x पावर 10 का, क्योंकि और जगह नहीं आएगा, वो आपका कितना आएगा 3 आ जाएगा प्लस। तो इसलिए आंसर इसमें क्या था, ये 3 वाला जो ऑप्शन दिया था ये करेक्ट आंसर था। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, जो देखो इस सीरीज का बहुत, चारों सीरीज का आप लोग लिख लो, बहुत आसान है याद करना। एक क्वेश्चन इस पर और लेता हूँ मैं, क्वेश्चन है इसमें मैं पूरा लिख रहा हूँ, कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ, कोफिशियंट निकालना x पावर 4 का इन द एक्सपेंशन जो दिया है वो दिया आपका 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डैश 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 पावर 1/2। क्या दिया है 1/2, इसमें बताना है कि व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ x पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये 2019 में आया हुआ है। ऑप्शन दिया 1/4, 1/16, 1 और 1/128, ये चार ऑप्शन दिया है, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। देखो ये दिया है, इसको आप देखो किस सीरीज में कहां मिल रहा है, 1 प्लस प्लस प्लस, जहां भी हर जगह प्लस आए तो माइनस वाला आएगा, और एक एक के टर्म पर तो 1 माइनस एक्स ही आपको याद होना चाहिए। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स के पावर ये आ गया माइनस 2, और इसका पावर 1/2 आ गया, तो 2 से 2 क्या हुआ कट गया, मतलब दो दो इसमें देखो सीरीज का ये पूरा आपको याद होना चाहिए। अब ये आ गया 1 माइनस एक्स के पावर आपका आ गया माइनस 1, और 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 1 में अब आपको एक्स पावर 4 निकालना है, माइनस में आपको सारा क्या होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती है प्लस होती है, 1x ये दिया ना 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 4, यहाँ एक्स पावर 4, तो सबका कोफिशियंट क्या आएगा इसमें, जहाँ भी आया इसका सबका कोफिशियंट क्या आएगा 1 आएगा। तो आंसर इसमें क्या होगा, ये सी वाला पार्ट इसमें क्या सही है। देखो ये इतना आसान हो जाता है, ये विचारों रहती है, इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि आप इसका आंसर तुरंत निकाल दो। करो व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 5, इसमें कोफिशियंट निकालना x पावर 5 का,
इन द एक्सपेंशन दिया है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस डैश इनफाइनाइट तक दिया है, ये ऐसे लिखा है, माइनस 5 है, क्या है, माइनस 5, ये 2007 में आया है एनडीए फर्स्ट में। अब इसको आप निकालने के लिए देखो क्या करोगे, सेम वही चीज़ कि ये देखेंगे कहाँ आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस आएगा ये आपका, और ये कोफिशेंट 1, 2, 3 आ रहा है तो पावर माइनस 2 आएगा, माइनस 2 और ये माइनस है तो आपका प्लस वाला आ गया, मतलब ये क्या बना, ये पूरा एक्सपेंशन बना 1 माइनस 1 प्लस, माइनस है तो प्लस, एक्स पावर माइनस 2 है, इसका होल का पावर कितना दिया है, माइनस 5, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स के पावर ये हो गया 10, देखो कितना इजी हो गया, और 1 प्लस एक्स के पावर 10, इसका हमको एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, मतलब जैसे कि 1 प्लस एक्स के पावर n होता है तो एन सी आर होता है, एक्स पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है, एन सी आर, तो एन सी आर मतलब n कितना है इसमें 10, r की जगह क्या है 5, तो 10c5 निकालना, हमको क्या निकालना है 10c5, तो इसका 10c5 को आप सॉल्व करोगे, ऑप्शन में कुछ इस तरह से दिया है, ऑप्शन दिया है पहला फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर, दूसरा दिया है इसमें 5 पावर माइनस 5, सी दिया है 5 पावर 5, डी दिया है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4, ये दिया है आपको। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फैक्टोरियल 10 निकालोगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 10 माइनस 5 फैक्टोरियल 5, तो आपका आ गया फैक्टोर 5 का स्क्वायर, तो ए वाला जो इसमें है आंसर क्या है आपका करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेते हैं कोई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, करें कि द कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में एक्स पावर 4 का कोफिशियंट बताना है, तो इसको हम पहले सिम्प्लीफाई करेंगे, यहाँ देखो 1 प्लस एक्स, इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं 1 प्लस एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये होगा 1 प्लस एक्स, पूरे का पावर एन है ये, तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर एन इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1 लिया था ना, यहाँ से कॉमन हो तो 1, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन, इसको हम इसको फैक्टराइज वो करते हैं, एक्सपेंड करते हैं और एक्स पावर 4 निकालना है। सिंपल देखो ये जो आप लिखोगे तो इसमें आपका 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस एन सी 4 एक्स पावर 4 ऐसे चलता जाएगा। इसमें जब करोगे इसको तो 1 प्लस एन सी 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन सी 2 एक्स पावर 4 हो जाएगा, प्लस ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे तो एक्स पावर 4 का कोफिशियंट निकालना, तो देखो 1 से होगा तो ये आएगा आपका एन सी 2 आएगा, 1 से एक्स पावर 4 में होगा तो आपका क्या आएगा एन सी 2 आएगा, एक्स से इसमें किसी में टर्म नहीं, क्योंकि ये जो पावर आएगा सारे टर्म आपके क्या इवन टाइप का आएंगे, 2 हुआ फिर इसके आपका 2 आएगा तो 4 आ जाएगा, 3 होता 6 होगा तो ये आएगा नहीं, 4 नहीं आएगा, तो ये इस वाले में नहीं आएगा, फिर ये बचा आपका स्क्वायर, स्क्वायर का इसमें करोगे तो आपका आ जाएगा, तो स्क्वायर का इसमें करोगे तो पावर 4 आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो इससे हम क्या करेंगे एन सी ये आ जाएगा आपका एन सी 1 इंटू एन सी 2, ये दोनों का मल्टीप्लाई आ गया, क्यूब का करोगे तो इसमें आएगा नॉट वाला, एक्स पावर 4 का 1 से करना पड़ेगा इसलिए आ जाएगा ये एन सी 4, ये इसका क्या होगा एक्स पावर 4 का कोड, बहुत अच्छा अच्छे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, देख तो यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, फिर एक्सपेंड करके हम देखें किसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका आ रहा है, तो इसमें आएगा एन सी 4 ये वाला आ रहा है यहाँ पे, और एन सी 2 ये आ रहा है, और एन सी 1 एन सी 2, तो ये डी ऑप्शन इसमें क्या है करेक्ट है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ये मैंने ये 4 कॉन्सेप्ट लेके क्वेश्चन बताया, बाकी के और इसमें क्वेश्चंस बताए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आए, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है,
और ये हम लोग प्रीवियस ईयर जो सॉल्व करते हैं 2001 से लेके ये करीब 20-21 साल के प्रीवियस ईयर को में से हम लोग लेते हैं, कहीं से पुराने पुराने बुकें हम लोग पास पड़ी हुई है। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, कई बार 10 साल 15 साल के पीछे का भी क्वेश्चन आपको रिपीट कर देते हैं या उस टाइप से पूछ देते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, इसको आप लोग लाइक कर सकते हो। मैथ्स एंड मोर चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस पे बहुत सारा कंटेंट पूरे पूरे पेपर सॉल्व करके डाला हुआ है, और भी बहुत सारे कंटेंट डाला हुआ है, आप चैप्टर वाइज डाला है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा, मैं कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करता हूँ वो मैं डाला हुआ, जो पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व भी किया उसमें भी कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।